क्या आप हिंदी में वीजा इंटरव्यू दे सकते हैं अमेरिका आने के लिए? Hey guys, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपनी फैमिली के साथ अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने सोचा आप लोगों को बाहर का नजारा भी दिखा दूं और वीडियो में इंफॉर्मेशन भी दे दूं। और हाँ, इंफॉर्मेशन से याद आई है, जो आप पीछे मेरे ये छोटा सा जो बॉक्स देख रहे हो, रुक जाओ मैं अच्छे से दिखाती हूँ। ये जो बॉक्स दे रहे हो इस पे लिखा हुआ है लिटिल फ्री लाइब्रेरी। तो अमेरिका में आपको जनरली हर एक कम्युनिटी में, हर एक लोकेलिटी में, एरिया में आपको ऐसे छोटे छोटे लाइब्रेरीज देखने को मिलेंगे जो कि फ्री होते हैं। यानी कि जो भी लोग बुक्स खरीदते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो ऐसे ला के रख देते हैं इसमें, ताकि जो ज़रूरतमंद है वो फ्री में यहाँ से ले जाके पढ़ें और फिर वापस रख दें। तो सब अपनी अपनी कर्सी से आते हैं यहाँ पर रख देते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है यहाँ की, कि लोग ये सब चीज़ को वैल्यू देते हैं और एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि हाँ मैंने खरीदा है तो सिर्फ मैं ही पढूं। आप लोग को कैसा लगे जान के ये भी बताना मुझे कमेंट करके। सुबह से देखो, मौसम की अगर मैं बात करूं तो सुबह 2 घंटे स्नोफॉल हुआ, अभी भी हल्का हल्का हो रहा है, स्नोफ्लेक्स गिर रहे हैं। ठंड -4 डिग्री सेल्सियस के अराउंड इस वक्त है। आप देख सकते हो मैं पूरी तरीके से पैक्ड हूँ, बहुत ज़्यादा कपड़े पहन रखे हैं। क्यों? क्योंकि -4 डिग्रीज में आप हल्की सी जैकेट पहन के अगर निकलोगे तो कांपते रह जाओगे। गाइस, ग्लव्स वगैरह सब कुछ मैंने पहन रखा है। जो मिडवेस्ट स्टेट्स में रहते हैं अमेरिका में, जैसे कि मिनेसोटा हो गया, विस्कॉन्सिन, इलिनॉय, शिकागो वगैरह जो बड़ी सिटीज हैं, ये सब भी मिडवेस्ट स्टेट में आती हैं। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो जो भी लोग रहते हैं या जो अमेरिका से नहीं है वो हमेशा कंप्लेन तो ज़रूर करते हैं कि यहाँ ठंड बड़ी पड़ती है। तो अमेरिकन का कहना है ठंड तो पड़ती है, दैट इज़ नेचर, पर आपको कपड़े उस हिसाब से पहनने हैं कि आपको ठंड ना लगे। तो इट्स जस्ट अ सेइंग। तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या आप हिंदी में वीजा इंटरव्यू दे सकते हैं अमेरिका आने के लिए। आपको वीजा लगेगा अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं तो। इनफैक्ट किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हैं तो आपको वीजा लगता है। कई सारी कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल होता है, यानी कि आप बस पहुंचे और वो वीजा दे देते हैं, पर अमेरिका उन कंट्री में से नहीं है। अमेरिका का वीजा लेना थोड़ा टफ होता है और इंटरव्यू क्रैक करना भी टफ होता है। जो भी लोग मेरे चैनल में नए हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं तो मैं आ गई हूं आप सबकी हेल्प करने के लिए। मेरी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे जाएं, उस पे मैंने 4 कोर्सेस लॉन्च किए हुए अभी तक, जिसमें मैंने आपको हर एक वीजा के बारे में तो बताया ही है। लोगों को सिर्फ 1-2 वीजा के बारे में पता है अमेरिका के, जो ज्यादा पॉपुलर है। अमेरिका आने के 40-50 डिफरेंट टाइप के वीजाज है, लोगों को पता ही नहीं है उसके बारे में। सारी डिटेल्स मैंने अपने कोर्स में दिया है, किस वीजा पे आके कौन सी जॉब कर सकते हो आप। एक और कोर्स है जिसमें मैंने बताया है कि भले आप अमेरिका में आज नहीं है, आप अमेरिका में जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अमेरिका की कंपनीज में कैसे अप्लाई कर सकते हैं बाहर किसी भी कंट्री में रह के। अमेरिका की जो कंपनीज है वो रिमोट जॉब्स भी प्रोवाइड करती है, स्पेशली कोविड के बाद। तो रिमोट जॉब्स को आप कैसे ले सकते हैं, ये सारी डिटेल्स मैंने इन सारे कोर्सेस में दिया है। और साथ में एक बंडल पैकेज बनाया है। बंडल पैकेज में क्या है कि आपको वीजा की डिटेल्स तो मिल ही रही है, साथ में जॉब्स में कैसे अप्लाई करना है उसकी भी डिटेल मिल रही है। और सबसे अच्छी बात, बंडल कोर्स अगर आप लोगे तो आपको मैं गाइड भी करूंगी, मेरी तरफ से गाइडेंस भी है। फोन पे आप मुझसे बात कर सकते हो, फोन पे बात, कॉल असिस्टेंट मैंने एडवांस कोर्स में भी दिया है, बट दैट इज कि आप जो क्वेश्चन पूछोगे मैं उसका आंसर करूंगी। पर अगर आप बंडल पैकेज लोगे, आप लोगों को गाइडेंस दूंगी मैं कि आपको क्या करना चाहिए। सेम चीज के लिए अगर आप जाओगे किसी एजेंट के पास, जाके देखो इंडिया में बहुत सारे हैं। एक तो आधे फ्रॉड हैं, जो कुछ सही हैं वो आपसे 50-60 हजार रुपए ले लेंगे, इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इतना टाइम देने के लिए जितना मैं आप लोगों को इस पूरे बंडल पैकेज में दे रही हूँ। तो जाके चेकआउट कर लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कॉमेंट में भी टैग कर दूंगी। वापिस आते हैं टॉपिक पे। तो वीजा इंटरव्यू, सबसे पहले तो अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं, नॉन इमिग्रेंट वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको DS-160 फॉर्म भरना पड़ता है, सबसे पहला स्टेप है। फॉर्म कैसे भरना है उस पर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, अगर आप सबने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। फॉर्म अगर आप एक बार भर देते हो उसके बाद आपको फी पे करना पड़ता है, कुछ चार्जेस होते हैं इंटरव्यू के। फी आप जैसे ही पे कर दोगे उसके बाद आप इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो। इंटरव्यू के लिए आपको 5 कॉन्सुलेट्स में जाना पड़ता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड हैदराबाद। तो इसमें 2 चीजें हैं, जब भी आप इंटरव्यू बुक करते हो वहां पे भी ऑप्शन होता है,
बट जनरली कई बार लैंग्वेज के चक्कर में आपको इंटरव्यू की डेट नहीं मिलती है, तो आपको नॉर्मल इंटरव्यू बुक कर लेना है, ठीक है। जब भी आपका इंटरव्यू डेट है उससे 2 हफ्ते पहले आपको क्या करना है, 5 कॉन्सुलेट्स में जिसमें भी आपका इंटरव्यू है उनको मेल करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को एक मेल का फॉर्मेट दे दूं तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं डाल दूंगी अगले किसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन वगैरह में। उस कॉन्सुलेट को आपको मेल करना है और बोलना है कि मेरा इस डेट को इस टाइम पे अपॉइंटमेंट है, वीजा इंटरव्यू है, मुझे एक ट्रांसलेटर चाहिए जिस भी लैंग्वेज से, ना सिर्फ हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, लोकल लैंग्वेज बहुत सारे लिस्ट है उसमें, किसी भी लोकल लैंग्वेज जो भी आप बोलते हैं वो बोल के आप कह सकते हो कि मुझे एक ट्रांसलेटर चाहिए, उनको मेल डाल दो, आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगी। जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं वहां कॉन्सुलेट पे, मान लीजिए कि वहां पे कोई ट्रांसलेटर नहीं है, अमेरिकन ऑफिसर बैठा मिलेगा आपको जहां पे आपका इंटरव्यू विंडो पे, तो आपको डायरेक्टली एक लाइन में ये कहना है आई नीड जिस भी लैंग्वेज में, लाइक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर, ऐसा करके आप बस एक लाइन में उनको आप बोल दे, वो आपकी बात समझ लेंगे, इमीडिएटली वहाँ कोई ट्रांसलेटर आपके लिए आ जाएगा और जो भी सवाल जवाब होगा वो ट्रांसलेट दोनों साइड से कर देगा। बड़े आसानी से आप इंटरव्यू दे सकते हो हिंदी में भी या किसी और लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो जिसमें आप बात करने के लिए, क्योंकि इसमें बैर नहीं है। इनफैक्ट कई लोगों को कंफ्यूजन है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती अमेरिका में आप जॉब कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सैकड़ों जॉब हैं जिसमें आपको बोलने की दिन भर जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ काम आना चाहिए। एक एग्जाम्पल, ट्रक ड्राइविंग, ठीक है, एक कोई ड्राइविंग, आपको उसमें बोलने की कहाँ जरूरत पड़ती है। गूगल पे आपने एड्रेस डाला, यहाँ से वहां चले गए, कहाँ आपको ज्यादा बोलने और चालने की जरूरत है। अगर एक दो लाइन बोलने की जरूरत भी है, उतनी बेसिक इंग्लिश तो हम सबको आती है, और अगर नहीं भी आती है तो गूगल ट्रांसलेटर है, उसे यूज कर ले, उसको यूज करके ट्रांसलेट करके बोल दे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो आप बड़े आसानी से अमेरिका में कोई भी जॉब कर सकते हो दोस्तों। इनफैक्ट मैंने 2-3 वीडियोस भी डाली हुई है। पहले एक बंदा ट्रक ड्राइवर था, एक फार्मिंग कर रहा था, उन लोगों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं, मतलब जीरो इंग्लिश। हम इंडियंस को तो बेसिक इंग्लिश आती है, उन लोगों को जीरो इंग्लिश आती थी, पर वो लोग भी अमेरिका में लाखों कमा रहे हैं। तो अगर ऐसे ही आपको अमेरिका में लाखों कमाना है तो गाइज जाके आपसे मेरा बंडल पैकेज ले ले, जिसमें आपको गाइडेंस मिलेगा मेरी तरफ से और साथ में जॉब्स में कैसे अप्लाई करना है ये सारी डिटेल्स भी दी जाएगी। अभी इस वक्त अर्ली बर्ड ऑफर डिस्काउंट चल रहा है, 80% का डिस्काउंट है, जाएं इस मौके का फायदा उठाएं। ये कोर्स नया है इसीलिए मैंने ये ऑफर दिया हुआ है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर हैं, वही अभी ले रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसलिए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे फिट, बाय बाय।